डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे मेरे को पहुंचने में। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर वेलकम है। दोस्तों आज मैं घूमने के लिए थोड़ा सा एक बता देता हूँ आप लोगों, एक यहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम शायद आप इसका ब्लॉग मैंने बनाया भी नहीं है, मैं गया हुआ था यहाँ पे करीब मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर समथिंग पीताम्बरा पीठ मंदिर है, तो मैं वहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ और आगे का ब्लॉग आप लोगों को कंटिन्यू होगा। और बाकी आप लोग भी दर्शन करिएगा, बहुत मानी हुई माता है वहाँ पे। प्लीज़ जो न्यू पर्सन है, न्यू तो सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर लाल बटन पे क्लिक कर देना और साइड में ही बेल आइकन बटन होगा उस पर भी क्लिक कर देना और उस पर नोटिफिकेशन, जिससे आप लोगों को जो भी ब्लॉग डालूंगा मैं तो अपडेट होती रहेगी। तो अपन चलते हैं फिर। सो हम लोग आ चुके हैं कार में और ड्राइव कर रहे हैं। देखो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सॉरी यार, ड्राइव करते समय मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करना होता है। अब क्या करूँ यार, व्लॉगिंग करनी है तो फिर ड्राइव भी करनी पड़ेगी और थोड़े बहुत शॉट भी लेने पड़ेंगे, आप लोगों से बात भी करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं सिटी में ही हूँ, देखो निकला हूँ अपने घर से और लगभग डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे मेरे को पहुंचने में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद आई थिंक 140-150 किलोमीटर है यहाँ से। दतिया काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत मतलब बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत माना हुआ मंदिर है माता जी का। मैं आप लोगों को वहाँ के बताऊँगा, बाकी चलते हैं यार। और तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर लोकेशन दिखाता हूँ, इतनी प्यारी लग रही है, पहाड़ी पहाड़ है और बहुत सुंदर लग रही है। बरसात के टाइम पे भी तो पता है इतनी गर्मी बढ़ रही है बहुत तेज। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो पूरे मतलब पहाड़ी पहाड़ है, आना चालू हो गए हैं वहाँ। ये बरसात के टाइम पे इतना प्यारा लगता है यहाँ पे, लेकिन अभी इतनी गर्मी बढ़ रही है ना कि मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये। और ये बरसात में मतलब ये समझ लो कि जब बरसात होती है तो इतना सुंदर झरने से बन जाते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं फिर अपन और आगे ऐसी अच्छी अच्छी चीज लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। इसको पहाड़ी गांव बोलते हैं आई थिंक, पहाड़ी गांव। हम लोग एक रिवर पड़ रही है रास्ते में, इसका नाम है सिंध नदी। ये देख सकते हैं, पुल दिख रहा होगा आपको। एक इसकी एक अपनी, इस नदी की एक अपनी ही कहानी है। एक बार किसी ने बोल दिया था कि मतलब ये पुल हिलने वाला है। तो पता है यहाँ पे एक माता का मंदिर है, काफ़ी अच्छा माता का मंदिर है, लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते थे। उसके डर से लोग पुल से गिर पड़े, मतलब कहानी है। YouTube पे अगर आप सर्च करोगे इस न्यूज़ के बारे में तो आप लोगों को पता चलेगा, जो यहाँ के लोकल हैं शायद वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। और बाकी बस हम थोड़ी बहुत देर में पहुँचने वाले हैं। Few moments later. आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप मेरे पीछे ये बंदे, बहुत
ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलते हैं फिर दर्शन करते हैं और आगे अंदर बताते हैं, अगर अलाउ होगा प्रसाद वगैरह लेते हैं पहले और फिर बात करते हैं आप लोगों से। प्रसाद 50 है तो प्रसाद ले लिया हमने, अब अंदर जाते हैं दर्शन करते हैं। बाकी का मैं अंदर बताता हूँ आप लोगों को कि मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्यों इतना माना हुआ मंदिर है ये। आ जाओ ये अंदर एंट्री है इसकी, तो आप लोग देखते रहिए। ये अंदर नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा, वो प्रो है प्लास्टिक अंदर नहीं, अंदर नहीं। मैं ना जैसे आप लोगों को बोला था ना कि मोबाइल अंदर, अब मोबाइल अंदर नहीं जाने दे रहे, मेरे को गाड़ी में रखने जाना पड़ रहा है मोबाइल को, तो गाड़ी में रख के आता हूँ, फिर आगे अपन मैं दर्शन करके फिर आप लोगों को मिलता हूँ। सो दोस्तों दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, और यार वीडियो ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि जैसे मैं कैमरा लेके गेट मंदिर के अंदर जा रहा था तो पुलिस वाले अंकल ने रोक दिया, उन्हें बोला कि ये मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, तो आप अपना मोबाइल रख के आओ कहीं पे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गाड़ी में मोबाइल रखने आया और दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हो गए माता जी के। सो काफ़ी अच्छा मतलब मंदिर है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, बहुत माना हुआ है, आप लोग इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। दतिया में पीताम्बरा मंदिर है, यहाँ पर हर पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो सारे लोग यहाँ पे, नेता ही नहीं एटलीस्ट सारे लोग आते हैं, बहुत माना हुआ मंदिर है। सो बाकी यार देखते हैं, अब कुछ खाते हैं और फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। सो मिलते हैं फिर आप लोगों को आगे रास्ते में। कुछ खाते पीते हैं और मैंने गाड़ी अभी कुछ खाते पीते हैं गाड़ी रोकी है। ये पंजाबी ढाबा, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, काफ़ी अच्छा ढाबा है हाईवे पर। भूख लग रही है और चाय वाय पीना है, मम्मी बोल रही हैं देखते हैं कुछ। चलो मम्मी आ जा, गाड़ी को लॉक करते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। ये हाईवे है झांसी टू आगरा हाईवे। अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है और श्रीजी ढाबे पे और बैठा हुआ हूँ, तो ये तो गर्मी इतनी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि खाने का तो कुछ मन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सवेरे से कुछ भी खाया नहीं है, मंदिर के दर्शन करके अब तक दर्शन कर लिए हैं, तो फिर अपन कुछ खा के चलते हैं। बाकी बताऊँगा फूड टेस्ट करके कि कैसा है। ये हाईवे पर काफ़ी अच्छा ढाबा मुझे लगा, मैंने गाड़ी रोकी यहाँ पे, पहली बार आया हुआ हूँ इस हाईवे पे। इस रोड हाईवे पे वैसे आता रहता हूँ, लेकिन पहली बार इस रेस्टोरेंट में एक ढाबे में आया हुआ हूँ। बाकी इसका खाना काफ़ी मैं बताता हूँ, मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं दाल रोटी ऑर्डर करी है, वही सही है क्योंकि अभी ड्राइव करनी है काफ़ी लंबी, ज़्यादा ऑयली खाना होता तो मेरे लिए सही नहीं लगता मुझे ज़्यादा। इतनी देर लगी ना कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा, एक नंबर कहाँ है मैं आपको बताऊंगा खाने के बाद कौन सी लोकेशन पर पहुँची जाएगी। यार दोस्तों बहुत मतलब बहुत बढ़िया खाना था, बहुत बढ़िया। मैंने तो ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाइट वैसा खाना खाना नहीं था, लेकिन अगर आप लोग फैमिली के साथ आओ तो यार इस रेस्टोरेंट में आ सकते हो, बहुत अच्छा खाना है इसका। अगर आप लोग यहाँ से झांसी या डबरा के बीच में आप लोग निकल रहे हो, डबरा से थोड़ा, डबरा सिटी से थोड़ा सा आगे आके ये होटल पड़ेगा आप लोगों को, ये होटल है और बहुत स्वादिष्ट खाना है इसका, तो मैंने आप लोगों को बताया। और क्योंकि मैंने इसका लास्ट टाइम जब मैं पहले आया हुआ था ना तब ये मतलब था नहीं इधर, अभी नया ओपन हुआ है ये ढाबा इस हाईवे पे, बढ़िया बहुत अच्छा खाना है, नहीं तो मैं बहुत कम रोकता हूँ गाड़ी यहाँ पे ढाबे पे खाने के लिए।
घर की साइड तो निकल गए हैं यार। मौसम ना कभी अच्छा हो जाता है, कभी मतलब इतना धूप निकल आती है। मौसम भी अजीब से ही हो रहा है, बरसात हो जाए तो और बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा घूमने का। लेकिन बाकी यार जो गाय वगैरह ना, मतलब मैं आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में एक बार बोला था कि जो हाईवे पे जो गाय वगैरह आ जाती हैं, लोग छोड़ देते हैं। अभी शाम के टाइम अभी छोड़ दिए, दोपहर में शाम के टाइम पे ले जाएंगे, फिर अपने बाद फिर छोड़ देंगे। यार हाईवे पे आके बहुत सारी मतलब एक्सीडेंट कुछ इसी वजह से होते हैं। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ को लेके कि किसी के पास भी हो तो प्लीज़ सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ रोड पे खेत में छोड़ दो। लेकिन हाईवे पे किसी जानवर की मौत हो जाना फिर अच्छा नहीं है। बाकी यार मेरे ब्लॉग को जो लोग देखते हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, और जिसको अच्छे लग रहे हैं सपोर्ट करें यार। मैं मुझे पता है यार कि अभी न्यू ब्लॉगर हूँ मैं अभी आप लोगों के लिए, और धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा चीज़ों में। थोड़ा सपोर्ट करो, प्यार करो, बस यही बोलूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना वीडियो। तो बाकी चलते हैं यार अपने घर, और आगे फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी घर पर जाके आपसे बातचीत करते हैं। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, और बस अभी गाड़ी मैंने खड़ी करी है अपने घर पे, और अब उतरता हूँ गाड़ी से और फिर आप लोगों को घर के अंदर मिलता हूँ। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, और मतलब बहुत शांतिपूर्वक रहा है, क्योंकि मंदिर के दर्शन किए और काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, और अपना आराम से कुछ खाना पीना तो लेके गए नहीं थे, तो एक जगह पे हमने खाना खाया मंदिर के दर्शन करके। सो आप लोग बाकी जो वीडियो देख रहे हैं, जो ब्लॉग देख रहे हैं, उनसे मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं अंदर मंदिर के दर्शन नहीं करा पाया आप लोगों को। आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना मना कर दिया उन लोगों ने। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और तो प्लीज़ जाके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और प्लीज़ उस ब्लॉग को देखें, पूरा ब्लॉग देखें, तभी आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्लॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा उसको ब्लॉग को देखें। धीरे धीरे क्या आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, और अगर कोई कमी है तभी आप ब्लॉग देखोगे, तभी आप लोगों को कोई कमी पता चलेगी कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक किए बगैर मत जाना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और बेल आइकन बटन जरूर दबाना। जो नए पर्सन प्लीज जाके सब्सक्राइब करो यार, मेरे को सपोर्ट करो। मैं आपसे सिर्फ एक मेरे को मोटिवेशनल मिलती है कि अगर आप कोई सब्सक्राइब करते हो या कमेंट करते हो, तो एक मोटिवेशनल मिलती है इस चीज़ को लेकर कि हाँ कोई मेरे ब्लॉगों को देखता है। कैसे भी लग रहे हैं ब्लॉग, कैसे भी बना रहा हूँ, पर मैं एटलीस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब करो और देखो ब्लॉग को, और लाइक जरूर करना। और मिलते हैं हम ऐसे ही अच्छे, कभी और एक को नया ब्लॉग लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो धीरे धीरे स्टार्टअप चल रहा है, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के अंदर। सो बाय बाय टाटा।